दोस्तों आज ही 18 जून और फाइनली अनलॉक टूल में एक बहुत बड़ा एक अपडेट निकल कर आया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इसमें अब आपको मिल गया है रेडमी Y3, रेडमी 7, रेडमी K20 प्रो, बहुत सारे यहाँ पर मॉडल का सपोर्ट भी अब आपको इसमें मिल जाता है अनलॉक टूल में। मतलब कि सारे ही मोबाइल का अगर आपको MI अकाउंट, FRP या फिर अनलॉक अगर आपको करना है, अब आप उसको ऑफलाइन भी अब आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सारा मॉडल अब आप देख सकते हैं कि कौन कौन से मॉडल को इसमें आपको ऐड किया गया है। दोस्तों अभी हाल ही में अनलॉक टूल में एक अपना बहुत बड़ा एक अपडेट किया था, जिसमें आपका ओप्पो का A3s, रियलमी C1 और ओप्पो के A7 मोबाइल को भी इसने ऐड किया था। मतलब कि इससे पहले का जो फ़ोन था वो आपको ओपन करके फिर जंपर करके फ़ोन को अनलॉक किया जा रहा था, मगर ये सारा का सारा फ़ोन जो है अभी इसमें अनलॉक टूल में अब आप अनलॉक हो जाएगा। और फ़ोन को अनलॉक करने के लिए आपको सिंपली करना ये होगा कि फ़ोन को लेके जाना होगा आपका वॉल्यूम डाउन और पावर को प्रेस करने के बाद, और जब फ़ोन आपका चला जाएगा रिकवरी में, फिर आपको वर्जन 2.1 या 1.2 का आपको पे क्लिक करने के साथ आपका जो फ़ोन है वो आपका क्वालकॉम पोर्ट आपका बन जाएगा। और इस तरह आपका जो फ़ोन है बिना ओपन के, बिना किसी जंपर का भी, आप फ़ोन को बहुत आसानी से आप अनलॉक कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों कि ओप्पो का A3s है, ओप्पो A5 है, रियलमी C1 है और ओप्पो A7 है। ये सारे मॉडल को इसमें आप बहुत आसानी से इसको अनलॉक कर सकते हैं।